जो आप सोच रहे हैं उससे भी बड़ा बुल रन हो सकता है, एन जय कुमार जी का ऐसा मानना है। चलिए बातचीत करते हैं हम लोग मुथूट फाइनेंस के। चौथी तिमाही में कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर थे। कंपनी का प्रॉफिट 17% बढ़ा है, वहीं ब्याज से कमाई में भी 15% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। साथ ही कंपनी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। कंपनी के नतीजों के बारे में साथ ही आउटलुक पर बातचीत करेंगे कंपनी के एमडी जॉर्ज अलेक्जेंडर से। जॉर्ज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कैसा माहौल चल रहा है केरल में? केरल में अभी अच्छा माहौल है। क्या ये पहले तो ये बारिश तगड़ा हो रहा है। हाँ, बारिश तो तगड़ा हो रहा है इधर। हमें बारिश का क्या उसका अच्छा ही अभी खा रहा है। अच्छा, बारिश चल रहा है, और जब बारिश अच्छा होता है तो फिर आप लोगों का कामकाज भी बढ़िया चलता है। अब तो सर चुनाव उनाव भी संपन्न हो गए हैं, क्या माहौल क्या वहां पे सर? इधर तो अगर यूडीएफ एलडीएफ, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों में सिर्फ वही है इधर। अच्छा, ये जो एग्जिट पोल वाले कुछ दिखा रहे हैं कि एक दो सीट किसी की बीजेपी की आ सकती है, ऐसा लगता है आपको? एक तो सीट तो मिल सकता है, या हो सकता है एक दो सीट मिलेगा। ये जो चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं वही वाली? हाँ, सब सब अरे तो उनके लिए बड़ी बात होगी, तो उनको तो कुछ भी अनुमान नहीं था, लेकिन अगर केरल में एक आध सीट मिल जाती तो एक तरीके से उनके लिए बड़ी बात हो। अच्छा, ये राहुल गांधी वाली सीट में सर थोड़ा बताइए ना, वायनाड में क्या चल रहा है, माहौल क्या था वायनाड में, कैसा था? वायनाड में वो पहली बार भी वायनाड में खड़ा है, इस टाइम भी वायनाड में खड़ा है। हाँ, तो इस बार भी बढ़िया सर चुनाव था उनका। हाँ, हो सकता है वो जीतेगा तो। ओके, अब हम लोग क्या कुछ घंटे जोड़ लीजिए यहाँ से, कल सुबह 8 बजे से हम लोगों को पता चलेगा। हमने कहा एक माहौल लिया जाए जॉर्ज सर से, क्योंकि केरल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है जिसके बारे में लोग दिलचस्पी रखते हैं, गॉड्स ओन कंट्री। अच्छा चलिए, अब काम धंधे की बात करते हैं सर। चौथी तिमाही में सोना बहुत तूफानी गति से ऊपर गया, तो इससे आपको फ़ायदा भी होता है सर, ग्रोथ मिलती है क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं। अभी गोल्ड प्राइस प्लस बिजनेस ग्रोथ का आउटलुक बताइए सर। अच्छा, बिजनेस ग्रोथ अच्छा है। हमें तो हमेशा एक गाइडेंस देता है, सालों 3-6 साल 8 साल से हम गाइडेंस देता है, 15% का गाइडेंस, और हमें हमेशा इससे ज़्यादा करता है। इस साल में हमारा गाइडेंस था 15%, हमारा ग्रोथ था मे बी 18-19% ग्रोथ, गोल्ड में ग्रोथ हुआ है। तो अगला साल भी, आने वाला भी, हम 15% का गाइडेंस भी दे रहे हैं, मगर उम्मीद है इससे ज्यादा भी कर सकता है। इस साल में अभी ये अप्रैल मई में हमारा लोन डिसबर्समेंट बहुत अच्छा ही हो रहा है, तो हमें बहुत खुश है उसमें। तो ये तो अच्छा शुरुआत हुआ है इस साल का। ओके, तो गोल्ड प्राइसेस सर अभी सस्टेन करेंगे या और ऊपर जाएंगे ये? सर हमें ये गोल्ड प्राइस में ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, तो गोल्ड तो हमारा नहीं है ना, कस्टमर का है, सिर्फ हमें उसके ऊपर लोन दे रहे हैं। मगर अब जब प्राइसेस अच्छा है तो फिर कस्टमर का सेंटिमेंट भी अच्छा हो गया, तो इसके अलावा और कुछ नहीं। प्राइसेस के वजह से हमारा बिजनेस का असर ज्यादा नहीं है। ज्यादा लोन लेता होगा ना अभी, जैसे पहले 100 ग्राम मान लीजिए 1 लाख का था, अब 100 ग्राम हो गया 1.5 लाख का, तो ज्यादा लोन ले सकता आपसे? वो तो ठीक है। हाँ, जो जिसको पूरा का पूरा लोन चाहिए, 100 ग्राम का पूरा का लोन चाहिए, जिसको आपने जो बोला है 100 ग्राम का 1 लाख और 1.5 लाख का फर्क होता है। हाँ, मगर बहुत सारे लोग पूरा नहीं लेता है। हमारा 75% है हमारा लोन टू वैल्यू मैक्सिमम, इसका मतलब 100% कस्टमर 100% 75 नहीं देता है, वो तो 60 लेता है, 65 देता है। एवरेज हमारा कस्टमर जो देता है 65 ही है। ओके, 65 ही सर। कुछ मार्केट शेयर बढ़ा क्या? एक बड़ा डोमिनेंट प्लेयर रोक दिया गया था उसकी वजह से? वो तो डोमिनेंट प्लेयर तो थोड़ी ही है, वो तो नया प्लेयर है। जो डोमिनेंट प्लेयर तो है वो सिर्फ केरला वाला है। ओके, ये तो सिर्फ एक नया प्लेयर है, नया प्लेयर आ गया और जाग भी गया। उसका कुछ फर्क पड़ा सर कि नहीं पड़ा? उसमें उससे वो फर्क नहीं है, वो जब था उस टाइम भी फर्क नहीं है, जब नहीं था नहीं है वो भी फर्क नहीं है।
ओके, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि जो मार्जिन आप कमांड कर रहे हैं अभी, वो और इम्प्रूव होगी क्या? आप चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया आउटलुक बता रहे हैं हमें। तो मार्जिन जो है हमारे 10-11% का निम है, वो अच्छा निम है जी, इससे भी ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं है। अगर मांगने का चांस भी है हम नहीं करेंगे। अगर बोरोइंग कॉस्ट जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर तो हम लेंडिंग कॉस्ट भी ज़्यादा करेगा। अगर वो नीचे आएगा तो हम वो भी नीचे करेंगे। हमें 10-11% का वो मार्जिन है, वही हम खुश है, वो भी अच्छा है। सर, माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम दिख रही क्या? वहाँ पे कुछ तकलीफ है क्या? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है। वो हमेशा सब छोटा छोटा लोन है, 50,000-60,000 रुपए का बिना कोलैटरल का लोन दे रहे हैं। हम नहीं है, सब दुनिया दे रहे हैं। और वो कस्टमर्स तो भी अच्छा है, वैसे वो डिफॉल्ट इतना ज्यादा नहीं करेगा, वो बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से वो बिजनेस भी अच्छा है। वैसे गोल्ड लोन की तरह उसका सॉलिड नहीं है, मगर वो भी एक अच्छा बिजनेस है। सर, गवर्नमेंट भी देती है ना ये वाला लोन, स्वनिधि वाला वर्किंग कैपिटल लोन, तो उधर भी उसको बहुत मिलता है, उधर तो डिफॉल्ट भी करते, कोई चिंता नहीं होती आपके यहाँ भी, उससे कुछ असर होता है? हमारा तो डिफॉल्ट तो है, वो मेरा ख्याल से अभी तो 2% का करीब है, वो तो इंडस्ट्री का नॉर्म है जी, 2% का डिफॉल्ट वगैरह। ओके, 2% का लेके चल सकते हैं? या जरूर चलेगा, 2% चलेगा। अच्छा, चूंकि सर अब मुझे ये बताइए थोड़ा सा, करेंट रिजीम, मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन समझने के लिए, कि कंटिन्यूटी होगी अब जैसा दिख रहा है एग्जिट पोल से, अभी कल पता लगेगा एग्जैक्टली क्या हुआ। वो हमेशा अच्छा रहेगा जी, कंटिन्यूटी हमेशा पॉलिसी लेवल पे। नहीं, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप लोग चूंकि बड़े उद्योग चला रहे हैं, आपको ग्राउंड की बहुत समझ है और पॉलिसी लेवल की बहुत समझ है, कंटिन्यूएशन होने से फ़ायदा होता है या आपको लगता है कि पॉलिसी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है और तरीके से चीज़ें उसमें जुड़ सकती है? हाउ डू यू सी दिस? और कोई स्ट्रिक्ट करने का कोई जरूरत नहीं देखता है। हाँ, जो अभी तो अच्छा चल रहा है वो अच्छा ही चलेगा। ओके, कोई इशू नहीं है अगर नई पॉलिसी भी कोई लेके आता है, चूंकि वो 100 डे एजेंडा की बात हो रही है, बहुत जल्दी वो कुछ लेके आएंगे, हम लोग गेस कर रहे थे, पता नहीं क्या लेके आएंगे, लेकिन कुछ पहला जब आता है, जब कोई इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, अभी तो प्रॉब्लम नहीं, जब प्रॉब्लम आता है तभी तो पॉलिसी चेंज होता है। अभी तो अच्छा चल रहा है, अब गोल्ड लोन भी अच्छा बिजनेस है, कस्टमर्स को इसका गोल्ड के ऊपर बिना क्रेडिट रेटिंग वगैरह पैसा 15-20 मिनट में मिलता है, इससे अच्छा क्या बिजनेस है? वो तो प्रमोट करना है, वो प्रमोट करेगा ही। और कितना सिंपल बिजनेस है सर ये, बहुत अच्छा बिजनेस है, सो गुड। थैंक यू सो मच सर, मुथुत सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और थोड़ा सा केरल का पॉलिटिकल माहौल भी हमें बताने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है इस वक्त, हम लोग देखें क्या होगा।